हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अद्धा गॉड। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल अद्धा गॉड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ नोकिया 2.4। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने नोकिया 2.4 मोबाइल रखा हुआ है। मैं आपको आज इसके बारे में फुल रिव्यू देने वाला हूँ। इससे आज क्या क्या आता है, क्या क्या मिलता है, ये फ़ोन कैसा है, आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, मैं आपको पूरी डिटेलिंग में आज वीडियो बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो पहले मैं आपको इसके आउटपुट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, इसमें यहाँ पे इसको इसमें गूगल असिस्टेंट बटन दिया हुआ है, एंड ये सिम इजेक्टर पिन है यहाँ पे, जिसमें फ्रेंड्स 2 सिम कार्ड एंड एक अलग से मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट, एंड पीछे 2 कैमरा दिया गया है, एंड एक फ्लैश है, एंड ये फिंगरप्रिंट है, एंड पीछे नोकिया का यहाँ ब्रांडिंग दे रखा है, एंड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भी डिज़ाइन है इसका कि फ्रेंड्स सबसे मेन बात है कि मेड इन इंडिया है, ठीक है। और यहाँ जो इसमें लिखा हुआ है, इसकी बाहर की जो फिनिशिंग है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। एंड ये यहाँ पे इसका राइट साइड में यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम अप डाउन बटन एंड पावर ऑन ऑफ बटन। चलिए फ्रेंड्स, अब इस फ़ोन को ऑन करते हैं। ये देखिए, ऑन करते ही पहले फिंगरप्रिंट लगा रखा है, फिंगरप्रिंट से इसको ओपन करते हैं फ्रेंड, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ये ओपन हो गया। देखिए इसमें ऊपर करने पे इसमें फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लुक आता है। वैसे तो फ़ोन ये फ्रेंड्स बहुत ही लंबा है, देख सकते हैं नोकिया की यहाँ ब्रांडिंग दी हुई है होम स्क्रीन पे ही। एंड फ्रेंड्स, चलने में बहुत ही अच्छा है ये। एंड इसमें सबसे बढ़िया बात ये है, क्या इसमें बाहर का कोई ऐप नहीं दिखता, सब आपको गूगल के दिखते हैं। एंड ये अप से डाउन तक कंप्लीट ये फ़ोन है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कौन सा प्रोसीजर इसमें आता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें सिस्टम आपको ये अबाउट नोकिया 2.4 फ़ोन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिम स्लॉट है यहाँ पे दिया हुआ, मॉडल नंबर IMEI नंबर दिया गया है फ़ोन का। ये भी एंड्रॉयड वर्जन 11 पे वर्क कर रहा है। ये फ्रेंड्स एंड्रॉयड 11 पे वर्क कर रहा है अभी। ये फ्रेंड्स 3 GB और 64 GB वाला वेरिएंट है फ्रेंड्स। ये फ़ोन वैसे तो आप अगर आपको लेना है तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए चॉइस रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये 10,000 कुछ में आ जाता है, ये 10,000 के लगभग लगभग में। अरे फ्रेंड्स, फ़ोन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, चलाने में बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कहूँगा कि आपको ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए, फ़ोन ले लेना चाहिए क्योंकि अच्छा फ़ोन है ये। और आपको बहुत अच्छी अगर आपको चाहिए इसमें, जैसे कि नोकिया की तो पता ही आपको मजबूती भरोसा, तो फ्रेंड्स आप ये फ़ोन ले सकते हैं, ये फ़ोन आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसका कैमरा भी टेस्ट करके देख सकते हैं आप, देखिए कैमरा भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स इसका। एंड फ्रेंड्स, इसकी ऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड इसके साथ आपको फ्रेंड्स एक एडेप्टर मिलता है 5 वोल्ट का 1 एम्पियर का, जो कि बहुत ही अच्छा मिल जाता है नोकिया 2.4 के साथ। एंड नीचे आपको एक माइक्रोफोन मिलता है, एंड ये चार्जर मिलता है, एंड एक दो स्पीकर है, एक ही स्पीकर लगा है फ्रेंड्स। ऊपर की ओर आपको एक लीड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, एंड एक्स्ट्रा माइक्रोफोन मिल जाता है फ्रेंड्स। ये फुल HD नहीं है, HD डिस्प्ले है इसमें। और बाकी फ्रेंड्स ये कंप्लीट इसका डिस्प्ले है ऊपर से नीचे तक, 5 इंच का है,
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अद्धा गॉड सब्सक्राइब कर देना एंड हमारी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब अद्धा गॉड एंड लाइक माई वीडियो।